You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us. Ain't no mess, I'ma tell you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, आज का व्लॉग नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते में बच्चों के लिए ब्रेड फ्राई की और ख़ुद के लिए पराठा। तो मैं पराठा चाय अचार ही लेती हूँ नाश्ते में। बच्चों को कभी कभी चेंज कर देती हूँ, कभी ऑमलेट में मैदा डाल के रोटी पराठा जो भी कह सकते हैं वो बना देती हूँ, और कभी कुछ, कभी वो मेरे साथ ही पराठा खाते हैं, एग फ्राई और पराठा, या फिर आलू कभी होते हैं, कभी बोटी होती है। तो इस तरह जी बच्चों का ब्रेकफास्ट होता है। और मैं जब तक चाय पराठा अचार ना लूँ, मुझे लगता है कि मेरी तो सुबह हुई ही नहीं है। ऐसे लगता है जब कमज़ोरी कमज़ोरी सी लग रही है जब तक पराठा ना खाऊं। तो जी, मैंने अभी लास्ट वीडियो अपनी डाली थी बच्चों के लिए कि जब शॉपिंग करने जाएँ तो बच्चों को साथ लेके जाएँ, कि वो ज़िद्द करते हैं उस वजह से कि आप कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें जो बच्चे ज़िद्द करते हैं। ये नहीं कहा था कि सारी ज़िम्मेदारी माँ बाप की है। यहाँ पे एक और बात कहूँ भाई, बच्चे हमारे हैं तो ज़िम्मेदारी भी जाहिर सी बात है हमारी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना बच्चा घर छोड़ के चले जाएँ दादी के पास, ठीक है, आप चले गए हैं कहीं। अब दादी बेचारी बूढ़ी है और कोई है नहीं, बच्चे को बाद में कुछ हो जाए, आप किसे ज़िम्मेदार ठहराएंगी, दादी को या ख़ुद को या बच्चे को ही? बच्चा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद हो, ठीक है। जितनी ख्वाहिश औलाद लेने की होती ना, उतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए बच्चे की परवरिश पे, कि हमने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, उसे अच्छा इंसान, उसे उसकी तरबियत कैसे करनी है, वो माँ बाप पे डिपेंड करता है। अब कल को आपका बच्चा कहीं जाके बदतमीज़ी करें, आप किसे कसूरवार ठहराएंगी, अपने आप को या जिसके पास छोड़ के जाती थी उन्हें, या फिर बच्चे को? देखें, किसी ने नहीं कहा कि आप औलाद पैदा करो। अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती थी तो फिर यही इंसान कह सकते हैं ना, तो फिर औलाद लेती ना। ज़िम्मेदारी आपकी, औलाद आपकी, बुढ़ापे का सहारा आपका, तो आपने ही उसे संभालना है। ये किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि हमारे बच्चों को तो कोई संभालने वाला नहीं है, हम घर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। तो ये तो एक अलग सा मज़ा है बच्चों के साथ। वो जो कहती हैं कि हर औरत को क्या चाहिए, फ्री टाइम चाहिए अकेले स्पेंड करने का, बच्चों को ज़रा दूर हटा के ये वो क्लब जाना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना तो आप अकेली ही थी, आप अकेली ही इंजॉय कर रही थी। अगर 25 साल की उम्र में शादी हुई तो 25 साल आपने अकेले ही गुजारे हैं। बच्चा कितनी देर तक छोटा होता है? 7 साल मैक्सिमम, 10 साल चले लगा लें, ठीक है। 10 साल तक अगर आप प्रॉपर टाइम अपने बच्चे को दें तो आपकी तो अभी भी फिर आधी ज़िंदगी पड़ी है गुजारने के लिए। और बच्चे भी कल को ये ना कहें कि हमारी माँ तो हमें छोड़ के चली जाती थी। हमारा सारा टाइम हमारे बच्चों के लिए और बच्चों का सारा टाइम हमारे लिए है। पता नहीं वो कौन सी औरतें जो कहती हैं कि जी हमें बच्चों के बग़ैर आज़ादी चाहिए। अजीब है, बच्चों के साथ गुजरा हुआ एक एक पल हमें याद आएगा बुढ़ापे में जाके। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, हम ही संभालते हैं, सारी माएँ खुद ही संभालती हैं। अब तो सिर्फ दो दो तीन तीन बच्चे हैं, पुराने ज़माने में जाएं ज़रा, 8 8 10 10 से कम बच्चा है ही नहीं किसी का। वो माएँ भी तो खुद ही संभालती थी, तब तो इतनी सहूलियात भी नहीं होती थी, कोई लॉन्ड्री, कोई सुखाने वाली मशीन, कोई हीटर, कुछ भी नहीं होता था। उन माओं ने भी तो पाला पोसा ही ना अपनी औलादों को। और अगर आपने इंजॉय करना है अपने बच्चों को बाहर, अपने साथ लेके जाके नहीं इंजॉय होता, कि ये अलग से जाने का एक नया सा ही ट्रेंड आ गया जी, माइंड को फ्रेश करने के लिए बच्चों को कहीं सुट के तो हमने जाना है। तो खैर जी, हर किसी का अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी सोच है। हमारा, हम जैसी माओं का तो सारा टाइम हमारे बच्चों के लिए है।
हम अपने बच्चों के साथ आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई कैद नहीं है, इंजॉय करते हैं, बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं, सब ऐसे ही रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए औलाद के साथ कि हम अपने बच्चों को दीनी दुनियावी दोनों उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। और जी अब मैं इस दफ़ा ये वाले टैबलेट्स यूज़ किए, सॉफ्ट जेल 2 माह मैंने इस्तेमाल किए हैं, तकरीबन 30-60 कैप्सूल मैंने ये सॉफ्ट जेल यूज़ कर लिए हैं। फ़र्क उन्होंने कहा स्किन वाइट होती है हर लिहाज से, लेकिन मेरे हाथ पैर चिट्टे गोरे हो गए हैं, ऐसे बिल्कुल बहुत प्यारे हो गए हैं। इससे एक और फ़ायदा मुझे हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जी ये सारी उन्होंने क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, वो जब आप लेंगे तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, डरा के आए कब खानी है कब नहीं खानी है, ये सारी इंडिकेशंस दी हुई हैं। क्या कह सकते हैं स्किन वाइटिंग मुलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन स्कार्स, ये सब कुछ इस पर मैंशन है कि किस किस चीज़ को ये ख़त्म कर सकता है। और जी बाकी जो कहते हैं ना कि रंग वाकई में गोरा होता है, पूरा जिस्म गोरा हो जाता है, ऐसा खैर कोई सीन नहीं है, अब हम वो क्या कहते हैं इतने काले भी नहीं हैं। तो जी 10 साल से हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वैक्सी और ईवियन 10-15 साल से, अब हम दोबारा से वही यूज़ करेंगे, सेहत भी बनेगी, बाल भी अच्छे होंगे, खून भी बनेगा, और मोटे तो खैर उसी होना कोई नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इसमें सारे विटामिन्स होते हैं, ई सी फोलिक एसिड एंड बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन सी भी होता है इसमें। सर्वैक्स जी जब कहते हैं कि लड़की 17-18 साल की हो जाती है ना, तो सर्वैक्स जी खाना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि इससे खून भी बनता है। तो मैं ये दूध के साथ लेती हूँ, जो पहले मैं विटामिंस यूज़ कर रही थी वो भी दूध के साथ ही लेने चाहिए नाश्ते में, और ये भी मैं नाश्ते में लेती हूँ, लेकिन नाश्ते से 2-3 घंटे बाद तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ना दोपहर में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।